जी भाई, कैफ 5 लेक्चर 6। अच्छा, वैसे तो पोर्टल वालों के पास अगर पोर्टल की एक्सेस है तो उनको इस वेबसाइट को नोट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वैसे करना चाहते हैं तो कर लें। कभी नोट्स कोई अपलोड करने हों पोर्टल पे भी हो रहे हैं, इस वेबसाइट पे भी होंगे। और यूज़र नेम और पासवर्ड भी लिखा हुआ है इसमें। ये वाला एफ स्मॉल है और ये दोनों एफ जो हैं वो कैप्स में हैं। तो ये बैकअप के तौर पर होगी ऑनलाइन वालों के लिए, अगर कभी उनकी दूसरी वेबसाइट ना खुल रही हो। अच्छा, अभी अगर आप इधर जाते हैं तो आपको एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन मिलेगी। ज़रा 4-5 मिनट लगा के हम कल वाला जो है वो रिवाइज़ कर लें जो अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, अभी तक जी हमने पढ़ा है एसेट के बारे में, इंटेंजिबल के बारे में और उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में। अच्छा जी, एसेट क्या होता है? कंट्रोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, और जिससे कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। इसको मैं सही कर दूंगा अपलोड करते हुए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, बोलें क्या है? इसको मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर, सॉरी, कंट्रोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल या एक्सपेक्टेड। अच्छा, वो मैं सही कर दूंगा, अल्फाज पे ना जाओ। चलें, ये आसान बात थी, इसको छोड़ें। आगे इंटेंजिबल क्या होता है जी? इंटेंजिबल ऐसी चीज़ है जिसमें कितनी चीज़ें पाई जाएं? तीन चीज़ें पाई जाएं। बाद में इंटेंजिबल ऐसी चीज़ है जिसमें तीन चीज़ें पाई जाएं। नंबर वन, आइडेंटिफिएबल हो। भाई आप ना बोलें, जरा मुझे बोलो। आइडेंटिफिएबल यानी सेपरेट किया जा सकता हो ऑर्गेनाइजेशन से या लीगल राइट हो। कल जैसे फिशिंग राइट हमने पढ़ा था। और इंटेंजिबल का फिजिकल सब्सटेंस, और ये मनी है या नॉन मॉनिटरी? इनिशियल रिकॉग्निशन कब होगी? जब कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने हों, तब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने का मतलब इसकी जनरल एंट्री की जाएगी। अच्छा, इंटेंजिबल्स कितने किस्म के हैं? दो। नंबर वन परचेज, और नंबर टू इंटरनली जनरेट। जो परचेज किए हुए इंटेंजिबल हैं उन्हें कैपिटलाइज किया जाता है अगर वो एसेट की डेफिनेशन पे पूरे उतरें और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया हो। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या था? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। अच्छा जी, परचेज वाली में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं एसेट की कॉस्ट में? परचेज प्राइस करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करते हैं बस, और ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करते हैं, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो भी खर्चे हों वो परचेज एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, और एम्प्लॉई बेनिफिट्स यानी एम्प्लॉयज़ ने अगर उसको बनाने में इंस्टॉल करने में हेल्प की है तो वो भी सारा, और टेस्टिंग या ट्रायल रन कॉस्ट भी हमने पढ़ा था एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, जिनको नज़र आ रहा हो अपने मोबाइल से देख लें, और प्रोफेशनल फीस भी ऐड करते हैं। अच्छा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल कितने किस्म के हैं? दो किस्म के हैं। कुछ को रिकॉर्ड करना प्रोहिबिट किया गया है, ऐसा ही है। इंटरनली जनरेटेड में कुछ को रिकॉर्ड करना प्रोहिबिट किया गया है, और अदर्स वो फिर इसके अलावा सारे वाले। पहले ये देख लें, किसको रिकॉर्ड करना मना किया गया? गुडविल, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल, और अगर ये क्या है? इंटरनली जनरेटेड, क्लियर। और अदर जो हैं, फॉर्मूला आप खुद बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हैं, प्रोसेस खुद बना रहे हैं, डिज़ाइन खुद बना रहे हैं, वीडियो फिल्म, विजुअल इमेजेस खुद बना रहे हैं, ये तो मिसालें हैं ना, जितनी मर्जी दे दें एट्सेट्रा, इसलिए तो लिख दिया। तो इंटरनली जनरेटेड ये पांच तो इंटेंजिबल कभी भी नहीं है। इसके अलावा इंटरनली जनरेटेड की रिसर्च फेज को क्या करना है? एक्सपेंस, डेवलपमेंट नॉट मीटिंग क्राइटेरिया, एक्सपेंस, और खड़े हो जाए लास्ट में नजर नहीं आते, डेवलपमेंट मीटिंग क्राइटेरिया कैपिटलाइज्ड, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट क्या हो जाए? मुकम्मल हो जाए, तो इनटेंजिबल इज यूज्ड। तो इनटेंजिबल का यूज शुरू कर दिया जाता है या कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाता है, और इस दिन से क्या शुरू हो जाती है? अमोर्टाइजेशन। इस दिन से हम इसे क्या करना शुरू कर देते हैं? अमोर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। डन, इसका हल निकालते हैं। पावर पॉइंट में एंड वाली लाइन आपको नजर आए, कुछ हल सोचते हैं। आगे अगली डिस्कशन किसकी थी? अमोर्टाइजेशन की और इंपेयरमेंट लॉस की। इसमें तीन एसेट्स हैं, कौन कौन से? परचेज, गुडविल, डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस और
ऑल इंटेंजिबल्स हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, इनको अमोर्टाइज और इंपेयरमेंट टेस्ट से मस्ट गुजारना है। डन, ऐसे ही पढ़े। अच्छा, अदर्स, अदर देन थ्री, यानी गुडविल नहीं है, डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस नहीं है, इनडेफिनेट लाइफ वाला नहीं है, अदर देन दीज थ्री, इनको क्या करना है? ओवर शॉर्टर ऑफ एंड लीगल लाइफ। अच्छा, एक सवाल होता है लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को डालने यानी डालना, उसका क्या जवाब है? इंक्लूड रिन्यूअल पीरियड इफ रिन्यूअल कॉस्ट इज ना होने के बराबर, इफ रिन्यूअल कॉस्ट इज ना होने के बराबर, सी नोट बिलो, वो मैं अभी दिखाता हूं। और टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट इन केस देयर इज एनी इंडिकेटर, इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना मस्त नहीं है। और आखिरी बात, वो जो कल हमने जाते जाते पढ़ी थी, अगर रिन्यूअल कॉस्ट ना, अभी ना, अगर रिन्यूअल कॉस्ट ना होने के बराबर है तो जब कभी होगी तो एक्सपेंस में जाएगी, याद आ रहे, जनरल एंट्रीज। और अगर रिन्यूअल कॉस्ट होने के बराबर है यानी अच्छी खासी है तो फिर जब कभी होगी एसेट बनेगी और अमोर्टाइज होगी, ऐसा ही है। तो नोट, इन केस रिन्यूअल इज मिनिमल कॉस्ट, रिन्यूअल इज एट मिनिमल कॉस्ट, अगर रिन्यूअल सस्ती है तो याद है सस्ती रिन्यूअल को कहां डाला था? जब हुई थी। द रिन्यूअल कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड व्हेन इनकर्ड, मेरे ख्याल से तीसरे साल के पहले दिन हमने उसे एक्सपेंस में डाला था। एंड इफ रिन्यूअल इज नॉट एट मिनिमल कॉस्ट, अगर रिन्यूअल मिनिमल कॉस्ट पे नहीं है, इट इज, फिर याद है सवाल में कैपिटलाइज की थी, क्वेश्चन 7 और 7A किया था, फिर कैपिटलाइज की थी एंड अमोर्टाइज्ड ओवर रिन्यूअल पीरियड, याद है वो जो 60 थे फिर उसको रिन्यूअल पीरियड के ऊपर अमोर्टाइज किया था, 3 सालों के ऊपर 20-20-20 करके। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है। ओके, आज जी कल क्या डिस्कशन चल रही थी? बस ना, क्या शोर है इधर? वो कह रहे 5 दिन में ये पढ़ा तो मैं उठ के जा रहा हूं अगर यही पढ़ा सिर्फ तो। अच्छा, आप बता दें मोहतरम, कहां पे थे हम? क्वेश्चन 5 कर रहे थे, वो तो कर लिया था। हाँ, इंग्लिश रहती थी वो, उस जैसा एक और सवाल मैं निकालने लगा हूं, वो पहले करते हैं। क्वेश्चन 6 निकालें जी, पास पेपर का आज। क्वेश्चन 6 पेज नंबर 25, सीटी भी बच गई है, क्वेश्चन 6 शुरू करते हैं आप। अब आप बैठ जाओ भाई, मैं इसको ऊपर ही रखूंगा। ओपल लिमिटेड कमेंस्ड रिसर्च वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट ऑन 1 जुलाई 2013, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने रिसर्च वर्क शुरू कर दिया 1 जुलाई 2013 को। एंड एंटर्ड द डेवलपमेंट फेज ऑन 1 जुलाई 2014, तो मुझे आप इंपॉर्टेंट या की डेट्स बता दें। यकम जुलाई 13 को क्या हुआ? रिसर्च स्टार्ट। क्या 1 जुलाई 2013 को हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ओपन करके साइंसदानों को उसमें वेलकम किया होगा पहले दिन? तो 1 जुलाई 2013 को रिसर्च स्टार्ट हुई एंड एंटर द डेवलपमेंट फेज ऑन 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई 2014 को क्या शुरू हुई? डेवलपमेंट शुरू हो गई। डन। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, ये जरा मैं काट रहा हूं, इस मद में ये खर्चे हुए हैं। अच्छा, कुछ खर्चे हमारे हुए हैं 30 जून 2014 के साल में, इसका मतलब है हमारा काउंटिंग ईयर एंड 30 जून 2014 या 31 दिसंबर है। कुछ खर्चे हमारे हुए हैं 30 जून 2014 के साल में और कुछ खर्चे हमारे हुए हैं 30 जून 2015 के साल में। अगर 15 का साल हमारा साल है तो पिछला साल हो गया 30 जून 2014 और 30 जून 2015 का हमारा साल हो गया। ओके, इन खर्चों की डिटेल में अभी ना जाएं। क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इनटेंजिबल हैव बीन मेट, कहते इनटेंजिबल को एसेट बनाने के जो क्राइटेरियाज आपने पढ़े हुए हैं वो पूरे हैं,
उनकी आप टेंशन ना लो, वो जो इंटेंजिबल को एसेट बनाने के क्राइटेरिया है वो पूरे हैं। इसका मतलब है इसने तारीख नहीं बताई कि किस दिन इंटेंजिबल को एसेट बनाने के क्राइटेरिया पूरे हुए हैं। तो क्या समझें डेवलपमेंट जब से हो रही है तब से ही अच्छी वाली हो रही है? डेवलपमेंट जब से हो रही है तब से ही अच्छी वाली हो रही है, क्योंकि इसने अलग से हमें नहीं बताया। क्लियर? आगे, द कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जकम जनवरी 15। कमर्शियल प्रोडक्शन या ट्रायल प्रोडक्शन? कमर्शियल प्रोडक्शन का क्या मतलब है? ये चीज आपने बाजार में बना के बेचनी शुरू कर दी है। तो अगली की डेट कौन सी आ गई? इंपॉर्टेंट डेट यकम जनवरी 15। हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले क्या हो गया शुरू? ये कमर्शियल प्रोडक्शन कहाँ शुरू हुई होगी? फैक्ट्री के अंदर शुरू हुई होगी या R&D डिपार्टमेंट के अंदर? R&D। अच्छा आप मुझे बताएं R&D डिपार्टमेंट खुला कब होगा और बंद कब हुआ होगा? बस अब मुझे बोलने दें। यकम जुलाई 13 को रिसर्च शुरू हुई और यकम जनवरी 15 को फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि ये R&D डिपार्टमेंट इतना अरसा खुला रहा। अब आप मुझे बता दें R&D डिपार्टमेंट के अंदर होने, अब वो डायग्राम में बनाने का टाइम पता नहीं अब है या नहीं है, मुझे बता दें इस फेज के खर्चे को क्या करेंगे और इसको क्या करेंगे? इस 12 महीने को और इस 6 महीने को कैपिटलाइज करेंगे, इस 6 महीने को कैपिटलाइज करेंगे। और एक बात मुझे बताएं, जो हमारा ये वाला साल होगा 30-15 वाला, इसमें R&D डिपार्टमेंट में कितने महीने लोगों ने काम किया होगा? अच्छा अगर मैं आपको ये कहूं कि जी आप क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर आए हैं और यकम फरवरी को यहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, तो और कंस्ट्रक्शन जो है मार्च अप्रैल, अच्छा कंस्ट्रक्शन यकम फरवरी को शुरू हो गई थी और 5 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन बंद हो गई है, ठीक है। अब फरवरी में खर्चा हुआ 10 मिलियन, मार्च में खर्चा हुआ 15 मिलियन और अप्रैल में खर्चा हुआ 2 मिलियन। अब आप मुझे बता दें अप्रैल के 30 दिन खर्चा होता रहा या ऊपर पता चल चुका है कि अप्रैल में 5 दिन खर्चा हुआ है? अब ये जो अप्रैल का मंथ है इसको मंथ लेंगे या हमें कंफर्म है कि ये 5 दिन का खर्चा है? तो अगर सवाल में ऊपर बंदा कोई बता दे कि यार फरवरी में मैंने घर तामीर करना शुरू किया है और 5 अप्रैल को मैंने घर तामीर कर लिया है, तो क्या मतलब इसका लेंगे कि अप्रैल में 5 दिन काम हुए या पूरा अप्रैल ही काम होता रहे? अप्रैल में 5 दिन काम हुए, तो ये फरवरी में पूरे महीने काम हुआ, मार्च में पूरे महीने काम हुआ और अप्रैल में। अब मैं ये आपसे पूछ रहा था कि इस सवाल में मुझे बताएं कि रिसर्च कितने महीने चली? 12 महीने। और डेवलपमेंट कितने अरसे चली? 6 महीने, यकम जुलाई 14 से यकम जनवरी 15, 6 महीने चली डेवलपमेंट। और फैक्ट्री के अंदर चीजें बनना कब शुरू हो गई? यकम जनवरी 15 को। और फिर कब तक? ऑब्वियसली हमारा ईयर एंड कब तक आएगा? 30 जून 15 तक। तो एक बात बता दें अमोर्टाइज कितना अरसा करेंगे? 6 महीने। कब से कब तक? यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक। अच्छा एक चीज आप फील कर रहे हैं कि पिछले सारे साल ही रिसर्च चली है, ये देखें पिछले सारे साल टिल 30 जून 14 रिसर्च चली है और जितनी डेवलपमेंट हुई है वो अल्लाह का शुक्र है, डेवलपमेंट को हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा। डेवलपमेंट को तोड़ना क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डेवलपमेंट सारी ही क्या है? अच्छी वाली। अब आप मुझे बता दें इसने सवाल में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही लफ्ज लिख दिया, तो मुझे ये बताएं जब इसने ऊपर फॉर द ईयर एंडेड का लफ्ज लिखा हुआ है तो क्या मैं अपने समझने के लिए ऐसे, इसको मैं मिटा देता हूं, क्या मैं अपने समझने के लिए ये नहीं लिख सकता कि ये यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 तक का खर्चा है और ये यकम जुलाई 14 से, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो अच्छा पता होता है, जून ईयर एंड से ज्यादा फेमिलियर होते हैं,
तो ये यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 तक का खर्चा है, और ये यकम जुलाई 14 से बोलें 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 30 जून 15 तक का खर्चा है। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14 इतनी ज्यादा अच्छी वजाहत नहीं कर रहा था जितनी ये जो मैंने लाइन लिखी है, इससे शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ आ रहा हो। अब आप मुझे बता दें कि यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 तक क्या चली है, रिसर्च चली है। तो क्या मैं इस 8 के साथ लिख लूं आर रिसर्च, इसके साथ लिख लूं रिसर्च, और ये जो 12 है 30 जून 15 के साल में, आई एम डैम श्योर ये साइंस दानों की 6 महीने की तनख्वाह है, बट इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें अच्छी और बुरी डेवलपमेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी और बुरी डेवलपमेंट तोड़नी होती तो मुझे टेंशन होती, अभी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सारी की सारी अच्छी वाली, मैंने माना कि डेवलपमेंट यकम जुलाई 14 से, अब वो जो मैंने आपको एक लाइन अभी थोड़ी देर पहले समझाई है मार्च फरवरी मार्च अप्रैल वाली, उस जरा ये बात लिंक करें। जब सवाल ऊपर बता रहे कि यकम जनवरी 15 को फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है, तो इसका क्या मतलब है कि यकम जुलाई 14 से यकम जनवरी 15 तक डेवलपमेंट का काम होता रहे, 6 महीने और काम नहीं हुआ, तो ये कितने महीने का खर्चा है, 6 महीने का अच्छी वाली डेवलपमेंट है, तो ये 6 महीने की तनख्वाह है उनकी। लेकिन इसको डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यों नहीं करना पड़ना? और अगर सवाल में लिखा होता क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनली इंटेंजिबल हैव बीन मेट ऑन यकम अगस्त 14, अगर लिखा होता रिकॉर्डिंग फॉर क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन वाज मेट ऑन यकम अगस्त 14, फिर बताए क्या करते, फिर तो हमारी एक और डेट आ जाती बीच में, यकम अगस्त 14, फिर एक महीने को बुरी वाली डेवलपमेंट कहते और 5 महीने को, फिर ये जो 12 है इसको पकड़ते, पकड़ के 12 से डिवाइड नहीं करना। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मेरा समझ आ गया ना, तो ये जो खर्चा है 2 का, ये 5 दिनों का खर्चा है सिर्फ, ये कितने दिनों का खर्चा है, 5 दिनों का खर्चा है। फिर आप 12 को पकड़ते और पकड़ के कितने महीने से डिवाइड करते, 6 महीने से, और मल्टीप्लाई 1 महीने से करते तो बुरी वाली डेवलपमेंट आ जाती, 5 महीने से मल्टीप्लाई करते तो अच्छी वाली डेवलपमेंट आ जाती। तो चलें जी, ये तो रिसर्च होगी 8 की और वो डेवलपमेंट होगी, इसके अलावा देख लेते हैं किसके साल में कौन कौन से खर्चे हो। यहां तक क्लियर, एनी क्वेश्चन? ओके, ट्रेनिंग को क्या करते हैं, एक्सपेंस में डालते हैं कैपिटलाइज करते हैं, एक्सपेंस में डालते हैं। वो जो ट्रायल रन और टेस्टिंग होती है ना, उसे असर में डालते हैं। ट्रेनिंग को कहाँ डालते हैं, एक्सपेंस में। ट्रायल रन को क्या करना है, अच्छा जी कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट तो अलग चीज है, इसको मैं जरा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्रिसेंट यूज्ड जनरेटर कॉस्टिंग रुपीस 100, कॉस्टिंग रुपीस 120 फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफिस या फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैंटीन, कैंटीन क्रिसेंट यूज जनरेटर फॉर 1 मंथ, क्रिसेंट यूज जनरेटर फॉर 1 मंथ फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैंटीन। क्रिसेंट ने जनरेटर यूज किया 1 महीने क्या बनाने के लिए, कैंटीन बनाने के लिए, डन। अच्छा, इसके अलावा वो 1 महीना वो था जिसमें फर्ज करें कॉलेज की छुट्टियां हुई हुई थी, तो कोई मार्च का महीना चल रहा था या सितंबर का महीना चल रहा था, क्लासेस ऑफ थी, 1 महीना जनरेटर यूज हुआ किस पर्पज में, फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैंटीन। कॉस्ट है जनरेटर की 120 रुपये और जनरेटर की जो लाइफ है वो है 10 साल, डन। आप बता दें
डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करेंगे जनरेटर की? जनरल एंट्री। जनरेटर पूरा साल इस्तेमाल हुआ, उसमें से 11 महीने इस्तेमाल हुआ क्लासों के लिए और एक महीने इस्तेमाल हुआ कैंटीन के लिए। आम तौर पे डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाता है P&L में, और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन या समझने के लिए एसेट कम हो जाता है या अकमुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो अब मुझे बता दें कॉस्ट क्या है? 120, लाइफ 10, तो 120 डिवाइडेड बाय 12, बस ये एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई। कितनी डेप्रिसिएशन? 12। इस 12 की ये जर्नल एंट्री गलत है, क्योंकि हमने सारी डेप्रिसिएशन को डाल दिया P&L में। सारी डेप्रिसिएशन को कहां डाल दिया? P&L में। हालांकि एक महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो P&L में नहीं जानी चाहिए, बल्कि एक महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो किस में जानी चाहिए? बैलेंस शीट में जानी चाहिए, क्योंकि एक महीने, अच्छा ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है मिसाल के तौर पे, इसमें ईंट भी आती है, बजरी भी आती है, सीमेंट भी आता है, और कई दफ़ा आपने देखा होगा जिस दिन लेंटर डलता है तो एक और मशीन भी आती है, तो वो जो मशीन आती है उस मशीन का किराया, क्या आप कहते हैं मेरे घर बनाने में ये मशीन का किराया भी डालें? लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जिसके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो वो क्या करेगा, वो मशीन एक बिल्डिंग के लिए, फ़र्ज़ करें आपका घर बनाने के लिए उसने वो मशीन एक महीना यूज़ की, तो उस महीने की डेप्रिसिएशन P&L में डालेगा या वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में डालने के बजाय एसेट बनाने में हेल्प कर रही है? आप बता दें ये 12 सही है या गलत है? गलत है। P&L में हाँ, एस जनरेटर ने वैल्यू 12 से लूज कर दी है, ये मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, बाप डेप्रिशिएट करता रहता है, बेटा जवान होता रहता है, और बाप अपनी जो है वो सारी जिंदगी बेटे के लिए लगा देता है, तो कौन अपनी जवानी लूज करके किसको अपने पांव पे खड़ा कर रहा है? जनरेटर अपनी जवानी लूज करके कैंटीन को अपने पांव पे खड़ा करने में एक महीने हेल्प कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा और ये कैसे आएगा? कैंटीन अगर बन गई है तो कैंटीन की बिल्डिंग डेबिट, अगर नहीं बनी तो कैंटीन वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। अब ये वाली फिगर जो है वो मेरे भाई बता दें कैसे निकलेगी? डेप्रिसिएशन 12 है 12 महीने की, एक महीना जो है वो इस पर्पस के लिए यूज हुई है, तो जवाब क्या आ गया? एक। तो एक को इधर शो कर दें और बैलेंसिंग 11 निकाल लें, तो इसका मतलब क्या हो गया मोहतरम, कि हमने एसेट यानी जनरेटर को, तो ये किसकी कमोलेटेड डेप्रिसिएशन है? जनरेटर को तो 12 रुपए से कम किया, लेकिन उसमें कॉलेज को सेल करने में यानी फीस अर्न करने के बदले 11 का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा, और एक और एसेट मिल गया, उसका नाम क्या होगा जी? बिल्डिंग। तो एक एसेट कभी कभी किस चीज में हेल्प कर देता है? दूसरे एसेट को बनाने में। तो पहले एसेट को कम कर देंगे और दूसरे एसेट को बढ़ा देंगे। नोट कर लें, आइए फर्स्ट तो आगे उनका करना क्या? अच्छा, आइए फर्स्ट आगे उनका करना क्या है, ये सवाल मेरे से पूछना है एंड पे। ठीक है, बस ये वाला कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा जिस जिस काम के लिए यूज हो रहा होगा उस उसको डेबिट करेंगे। सही है, अच्छा कुछ हजरात कह रही हैं कि स्टैंडर्ड हमारे घर आ गए हैं,
अब उनको यूज़ कैसे करना है, पांच किताबें आई होंगी, उसमें से पार्ट ए टू ढूंढें, ए टू, ए वन नहीं, ए टू में आपको मिलेगा, चलते जाएंगे तकरीबन एंड पे जाके IS-38 होगा, शुरू में IS-2 होगा, IS-16 होगा, एंड पे जाके IS-38 होगा। और IS-38 में अभी सिर्फ वो वाले पैरा स्टिक करें जिसमें रिसर्च की एग्जांपल्स हैं, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हैं, और वो जो छह क्राइटेरिया हैं, इससे ज़्यादा फिलहाल हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, बाकी जैसे जैसे चीज़ें आती नहीं मैं खुद बताऊँगा हाईलाइट करने के लिए। और कोई एक पता नहीं कोई पुरानी वीडियो किसी ने डाल दी भी है, एक दफ़ा मैंने बनाई थी हाउ टू यूज़ IFRS, तो ये मेरी एक वीडियो है YouTube के ऊपर, आप किसी चैनल के ऊपर पड़ी होगी, तो ये आप लिखेंगे तो यहाँ से ये भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड्स आगे वाले पढ़ाएँ उनकी भी बातें हो रही होंगी, लेकिन आप एक आइडिया उससे ले सकते हैं हाउ टू यूज़ IFRS। अच्छा जी, तो पता ये चला कि एक चीज़ अगर अपनी वैल्यू लूज़ कर रही है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, तो डेप्रिसिएशन को P&L में डालने के बजाय डेप्रिसिएशन को एसेट की कॉस्ट में क्या कर दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने पूरे 12 से क्रेडिट करना है, क्योंकि जनरेटर चला कितने महीने, 12 महीने, जनरेटर ने अपनी जवानी कितनी लूज की, 12 महीने, उससे कैंटीन को कितना अरसा फायदा देके गया, 1 महीना, बाकी अरसा क्लासें चली, तो बाकी 11 महीने क्लासों की फीस आई होगी, तो क्लासों की फीस में से क्लासों की डेप्रिसिएशन जो है वो जनरेटर की माइनस हो जाएगी, वो मैचिंग अपनी अपनी अलग चल रही होगी। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो लैब होगी उसके अंदर क्या उसके कंप्यूटर भी होंगे, R&D की जो लैब होगी एक दिन आपको बताई थी, उसके उसके कंप्यूटर भी होंगे, उसके अंदर उसका इक्विपमेंट भी होगा, उसके अंदर मशीनें भी हो, मशीन तो आमतौर पर फैक्ट्री में होती है, कुछ छोटी मोटी और चीज़ें हो सकती हैं, कोई माइक्रोस्कोप, कोई और चीज़ें, तो लैब के अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है क्या वो लैब का इक्विपमेंट इनटेंजिबल बनाने में हेल्प कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। जिसे कोरोना की वैक्सीन बन रही है तो कोई सुपर कंप्यूटर खरीद के रखे होंगे, उसमें फॉर्मूलाज डालते होंगे, देखते होंगे क्या बना, इसके क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो जो लैब इक्विपमेंट है, बताएं खुद अपने अंदर क्या है, टेंजेबल है या इनटेंजेबल है? टेंजेबल, टचेबल। तो लैब इक्विपमेंट तो टेंजेबल है, लेकिन जितना जितना लैब इक्विपमेंट अपनी जवानी लूज करता जाएगा उतना उतना हमारी न्यू प्रोडक्ट अपनी जवानी क्या गेन करती जाएगी। तो क्या लैब इक्विपमेंट की सारी कॉस्ट को इस प्रोडक्ट में डाल दें, या लैब में अगर कोई कंप्यूटर खरीदे, इक्विपमेंट खरीदे, तो वो 5-6-10 साल फायदा देगा और हमारा जो जो प्रोजेक्ट चलता रहेगा उसमें जितना जितना ये लैब इक्विपमेंट यूज होता रहेगा उतना उतना आप उसकी डेप्रिसिएशन को, लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को हमारे प्रोडक्ट इनटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड करते रहेंगे। अब इस फिक्र को दोबारा बोलें, जितना जितना लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल होता रहेगा इनटेंजिबल को बनाने के लिए उतना उतना लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में जाने के बजाय इसकी कॉस्ट में ऐड होती रहेगी। अच्छा एक चीज बताएं, लैब इक्विपमेंट रिसर्च फेज में इस्तेमाल होगा, डेवलपमेंट बुरी वाली में इस्तेमाल होगा, डेवलपमेंट अच्छी वाली में इस्तेमाल होगा, या लैब इक्विपमेंट हमेशा ही इस्तेमाल हो सकता है? हमेशा ही इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जब डेवलपमेंट फेज में नहीं होगा लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल, और रिसर्च फेज में होगा या बुरी वाली डेवलपमेंट में होगा, तो उस अरसे की लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को आपके जहन में क्या आ रहा है, कैपिटलाइज करें या एक्सपेंस में डालें? एक्सपेंस में डालें, क्योंकि रिसर्च खुद एक्सपेंस है, तो रिसर्च के अंदर साइंसदानों की तनख्वाह भी एक्सपेंस में जा रही है, तो रिसर्च के अंदर लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगी? एक्सपेंस में जाएगी। और डेवलपमेंट अच्छी वाली जब चल रही होगी तब लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होगी। अच्छा जी, लैब इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है? 4 मिलियन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2014, ये 1 जनवरी 2014 को खरीदा है, इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। तो 5 साल पूरे के पूरे इसी प्रोडक्ट में यूज किया जाएगा? नहीं, लैब इक्विपमेंट लैब में पड़ा रहेगा, साइंसदान तब से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे जब इसको खरीद लेंगे, और साइंसदान इसको तब इस्तेमाल करना बंद कर देंगे जब प्रोडक्ट कमर्शियली लॉन्च हो जाएगी, और लैब इक्विपमेंट इधर ही पड़ा रहेगा,
चीज़ें वगैरह इधर ही पड़ी रहेंगी, और वो जो सफ़ा बनाएंगे न्यू प्रोडक्ट का जिस पे कोई प्रोसेस या फॉर्मूला लिखा होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करके चले जाएंगे। लैब इक्विपमेंट पे उसी तरह मट्टी पड़ती रहेगी अनलेस के लैब इक्विपमेंट में कोई नया ऐसा काम शुरू हो जिसमें दोबारा लैब इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े। क्लियर? ओके, अब हम मुझे ये बता दें कि हमारा पहला साल कौन सा है? यकम जुलाई 2013 से 30 जून 14, और अगला कौन सा साल है? 30 जून 15। रिसर्च फेज के लिए येलो मार्कर, अच्छी वाली डेवलपमेंट के लिए ग्रीन, और उसके बाद हमने अमोर्टाइज करने उसके लिए स्काई ब्लू। डन। और ये डेट बनी थी हमारी यकम जनवरी 15। ये हमारी कौन सी फेज चली? रिसर्च, और ग्रीन में डेवलपमेंट फेज चली। अब जरा लैब इक्विपमेंट की डेट ऑफ परचेज बताएं। लैब इक्विपमेंट कब खरीदे? यकम जनवरी 14 में। तो लैब इक्विपमेंट हमें इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ी होगी, हमने यकम जनवरी 14 को खरीदे। तो लैब इक्विपमेंट यकम जनवरी 14 को अगर बाय की है तो इस 6 महीने की भाई यानी ये तो बंदा मरने वाला है। अच्छा, लैब इक्विपमेंट अगर आपने यहाँ यूज़ किया तो इस 6 महीने की लैब इक्विपमेंट की डेप्शन की क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इस 6 महीने की लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को कहाँ डालेंगे? इनटेंजिबल की कॉस्ट में, जहाँ साइंसदानों की तनख्वाहें डाली जा रही हैं वहाँ पे लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी डाली जाएगी। इसके बाद लैब इक्विपमेंट लैब में पड़ा रहेगा, और लैब इक्विपमेंट के अंदर जो है वो ब्राउन रंग की मट्टी इस पे पड़ती रहेगी ब्राउन रंग की मट्टी। अब पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, लैब इक्विपमेंट तो लैब में ही रह जाएगा ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लैब इक्विपमेंट लैब में रह जाएगा। तो इस अरसे की डेप्रिसिएशन को कहाँ डालेंगे? P&L में। इस अरसे की डेप्रिसिएशन को P&L में, और अच्छी वाली डेवलपमेंट वाले अरसे को कैपिटलाइज करेंगे। डन। ओके, चलिए जी, अब जनरल एंट्रीज मुझे करवा दें आप लोग, सारे सवाल में सारी फिगर्स की जनरल एंट्रीज। दूसरी क्लास में कोई टीए बैठा है, मार्कर ला दें, इधर पड़े तो नहीं हुए? नहीं, वो दूसरे होंगे ब्लैक। जल्दी कर दो यार। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। मिल गया भाई, बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। पानी की बोतलें जो है वो लाना बंद कर दें, गलती से आपने मंडे को ले आनी है। ओके, पहला साल जी हमारा कौन सा बनेगा? 30 जून 14। सवाल की रिक्वायरमेंट अभी ना पढ़े तो। हाँ जी, हो गया। अच्छा जी, पहला साल हमारा कौन सा जी? 30 जून 14। इसमें सिर्फ क्या चली? रिसर्च चली। तो 8 रुपए की एंट्री बताएं। कोई माई का लाल इसकी बुरा तो नहीं बनाते आप? ये माई का लाल रिस्पेक्ट देने के लिए यूज होता है या बिस्ती करने के लिए यूज होता है? नहीं, ये एक चैलेंज होता है ना, कोई माई का लाल बोले तो। ये तो मेरा नहीं ख्याल बिस्ती, ये तो आप फील कर रहे हैं तो और बात है। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 8 से। अभी अगले साल चले जाएं या पहले इस साल का काम पूरा कर लें? लैब इक्विपमेंट अपने अंदर खुद क्या है? एसेट तो मुझे भी पता है, लैब इक्विपमेंट अपने अंदर खुद क्या है? टेंजेबल, टचेबल। तो इसको PPE प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट IS 16 लगाएंगे खरीदते हुए। इस पे IS 16 लगेगा, इसको इंटेंजिबल के तौर पर डेबिट नहीं करेंगे। ये वो साइंसदानों के इस्तेमाल के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह टाइप चीजें हैं। तो लैब इक्विपमेंट
डेबिट। और लैब इक्विपमेंट पे आईएस 16 लगेगा, ये इनटेंजिबल नहीं है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। कितने का खरीदा? 4 मिलियन। डन, मजा आ रहा? मजा आ रहा, मुंह में पानी आ रहा? ओके, बस इस साल यही खर्चा हो गया, ये मक्खी उस सुबह वाली क्लास से आई है। अच्छा, डेप्रिसिएशन अब डालनी है इसकी। अच्छा जी, ये खरीदा कब है? 1 जनवरी 14 को। हमारा साल कब खत्म हो गया? ठहरे भाई, पिछली रो वाली से बातें कर लें, सारे पिछली रो से बातें कर लें जरा। अच्छा, खरीदा कब? 1 जनवरी 14 को। हमारा साल कब खत्म हो गया? 30 जून 14। तो अगर मैंने 1 जनवरी 14 को लैब इक्विपमेंट खरीदा है, साइंसदानों ने 6 महीने, साइंसदानों से हम 6 महीने पूछते रहे लैब इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत, यहाँ पे जाके उनको लैब इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो लैब इक्विपमेंट 6 महीने किस फेज़ में इस्तेमाल हुआ? तो साल एंड हो गया, साल के एंड पे खड़े होकर लैब इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन निकालें। क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट या इनटेंजिबल डेबिट? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, थोड़ा वॉइस लो रखनी है बस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी? लैब इक्विपमेंट की। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट इसकी अपनी जिंदगी, 5 साल बाद चीख मारेगा और मर जाएगा। जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने सालों में डिप्रिसिएशन आएगी? 1 साल की। हमने खरीदा कब है? 1 जनवरी 14 को। तो 30 जून 14 पे खड़े होके हम इसको क्या करने लगे हैं? डेप्रिशिएट। तो कितने महीने बोले? तो 0.4। ये इसकी डेप्रिसिएशन है ऑफ रिसर्च फेज। नरेशन पेपर में आई कैप 1-2 अटेम्प्ट से नहीं लिख रहा, वैसे नरेशन लिखनी चाहिए असूली तौर पे। चलें डिसाइड कर लेंगे सेशन एंड तक करना क्या है। तो फिलहाल जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे समझाने के लिए, वहाँ नरेशन आप भी लिखा करेंगे। डेप्रिसिएशन को कौन सी फेज़ की? रिसर्च फेज़ की। फ्रॉम 1 जनवरी 14 टू, मैंने माना रिसर्च फेज़ तो ज़्यादा चली है, लेकिन उससे पहले लैब इक्विपमेंट चाहिए ही नहीं था ना, तो ये 6 महीने की रिसर्च फेज़ की डेप्रिसिएशन है। इसको हमने एक्सपेंस में डाल दिया। क्रिस्टल क्लियर? ओके, अब किस साल की तरफ मूव करें? अगले साल की तरफ मूव करें। इस साल के एंड पे हमें बैलेंस शीट में ये असर नजर आ रहा होगा या नहीं नजर आ रहा होगा? नहीं, अभी इंटेंजिबल बनना शुरू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कौन सी फेज चल रही है? रिसर्च फेज चल रही है, अभी तो प्लानिंग चल रही है सिर्फ, रिसर्च फेज। अब कौन सी शुरू हो गई? अच्छा, डेवलपमेंट फेज में लैब इक्विपमेंट गया भाड़ में, उसको फारग करें। मुझे बताएं साइंसदानों की तनख्वाह आपने जो है वो देखें इधर मुंह पर करके, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक आप साइंसदानों को तनख्वाह देते रहे होंगे, तो ये 6 महीने कितनी तनख्वाह दी है? 12। ये 12 सारी की सारी कौन सी वाली डेवलपमेंट है? अच्छी वाली डेवलपमेंट है। इसको प्रोटोकॉल दें, इसको इज्जत दें, प्रोटोकॉल दें। प्रोटोकॉल देंगे क्या करें? बोले 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 बोले। ये कौन सा साल था? 30 जून 14 का। ये कौन सा साल है? 30 जून 15 का। क्या करें जी? इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 12 का। हमारा इनटेंजिबल बनना शुरू हो गया जी। क्या भाई पूछ रहे हैं कि अच्छा, मैं कहता हूं कि जी कॉलेज के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ 1 फरवरी को, मार्च का महीना भी चला और अप्रैल का महीना भी कंस्ट्रक्शन का काम चला, लेकिन 5 अप्रैल को हमने मजदूरों को कह दिया था अस्सलाम वालेकुम। अब आप मुझे ये बताएं कि मजदूरों को जो हमने तनख्वाह दी, ये पूरे फरवरी के महीने में दी, ये पूरे मार्च के महीने में दी, और ये अप्रैल के कितने दिनों की तनख्वाह है? 5 दिनों की। अब मैं इस 2 रुपए को डिवाइडेड बाय 30 दिन, शक्ल बनाए साथ साथ,
डिवाइडेड बाय 30 दिन मल्टीप्लाइड बाय 5 दिन, ये कहेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या 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 डिवाइडेड बाय 30 क्या। तो मेरे ख्याल से तो आप ऐसा करेंगे 10 जमा 5 जमा 2 का टोटल करेंगे और कह देंगे दिस इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट में लेबर इतनी डाल दें, बाकी मटेरियल भी होगा बाकी चीजें भी होंगी। अच्छा, अब मोहतरम जो साइंसदान है वो सवाल वाजे हमें बता रहा है, चीख चीख के सवाल हमें बता रहा है कि साइंसदानों को हमने यकम जनवरी 15 को कहा है जाओ, यकम जनवरी 15 को वो चले गए, तो हमारा साल कब शुरू हुआ? यकम जुलाई। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर समय 6 महीने उन्होंने काम किया, तो 6 महीने जब काम किया तो 6 महीने के हमने उनको कितने दिए? 12 मिलियन। अब 12 मिलियन को डिवाइडेड बाय 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 ही करेंगे, ये सारा अरसा अच्छी डेवलपमेंट चलती रही है। ठीक है जी, तो ये जिस तरह वो 5 दिन की तनख्वाह थी ना, तो ये 6 महीनों की खाया जो पूरी कैपिटलाइज होनी है। ओके, वापस आ जाए जिथे दी इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 12 हो गया खुदा को। अच्छा जी, इशारिया 9 को क्या करना है? एक्सपेंस में डालना है। क्या जी? ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट 0.9, ट्रेनिंग एक्सपेंस इन पीएनएल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट आ रही है, इसे भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन को तो कैपिटलाइज करेंगे। इंटेंजिबल सवाल के शुरू में ना कोई प्रोडक्ट वगैरह उसका नाम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट प्रोसेस फॉर्मूला पता नहीं क्या चीज होगी, इंटेंजिबल कोई प्रोडक्ट बन रही है, बनेगी बाहर आएगी तो पता चलेगा। 0.6 इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, द नेक्स्ट इज क्या कहते हैं? अच्छा, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, इस चार के डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो ये जो चार है पिछले साल का इसको पाला हुआ है ना, तो पिछले साल का इसको पाल के रखा हुआ है तो इसको डेप्रिशिएट करना है इस साल। अच्छा, मुझे ये बता दें कि लैब इक्विपमेंट इस साल कितने महीने हमारे पास पड़ा रहा? 12 महीने हमारे पास पड़ा रहा। और एक बार याद रखिएगा, जब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो ना और लैब इक्विपमेंट आइडल भी पड़ा रहे तो डेप्रिसिएट तो होता रहेगा, डेप्रिसिएशन रोकी नहीं जाती उस वजह से। तो साइंसदान, तो इस दिन हमने साइंसदानों को कहा साइंसदानों जाओ, तो साइंसदान तो इसमें चले गए, लैब बंद हो गई, अब इस पर मट्टी पड़ रही है इस अरसे में। ये तो मैंने स्काई ब्लू मार्कर किसी और पर्पज के लिए यूज किया था कि वो फैक्ट्री में चीज चली गई है तो यहां से ऑनवर्ड अमोर्टाइज करना है। ठीक है, वैसे मैं लैब इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं इस वक्त। लैब इक्विपमेंट 6 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुआ और 6 महीने लैब इक्विपमेंट पे पड़े पड़े मट्टी पड़ती रही। अब क्या करें लैब इक्विपमेंट की, कितने लैब इक्विपमेंट वैल्यू कितने अरसे से लूज करेगा पूरे 12 महीने से? तो सबसे पहले आपने फिगर निकालनी है अकामोलेटेड डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले किसकी फिगर निकालनी है? अकामोलेटेड डेप्रिसिएशन, अकामोलेटेड डेप्रिसिएशन जी। कॉस्ट पकड़े 4, कॉस्ट लैब इक्विपमेंट की 4, इसे 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितने महीने की डिडक्शन आ जाएगी? 12 महीने की डिडक्शन, 12 महीने की डिडक्शन 0.8। अब क्या मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सारा पीएनएल में डाल दूं? इसमें जो 6 महीने हैं उनको मैं किसकी कॉस्ट में डालूं? कौन से वाले 6 महीने? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनको कहां डालूं? इनटेंजिबल की कॉस्ट में। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारा इंटेंजिबल से चीजें बनना शुरू हो गई हैं, जैम वगैरह बन के बिकना शुरू हो गए हैं। लैब डिपार्टमेंट में लैब इक्विपमेंट तो यहां पे जो है वो फारिक पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। ठीक है जी, तो आप 0.8 को पकड़ें और 0.8 12 महीने की है, हमें कितने अरसे की चाहिए? 6 महीने की। तो 0.8 इंटू 6 बटा 12 और 0.8 इंटू 6 बटा 12
0.4, मुझे पता था इसको आधा आधा करके यहां लिख सकते हैं, ना बताया करें, 0.8 इंटू 6 बटा 12 और 0.8 इंटू 6 बटा 12। तो किसने अपनी जवानी लूज कर दी किसको बचाने के लिए, किस पार्टी ने अपनी जवानी लूज कर दी किस पार्टी को अमोर्टाइजेशन की एंट्री कर दें। ओके अब हमने क्या निकालनी है जी, अमोर्टाइजेशन। अच्छा इसमें हमने डेवलपमेंट फेज जो है मैं प्रोमिनेंट करके लिख देता हूं, डेवलपमेंट फेज जो है जुलाई से दिसंबर वाली, इसको हमने क्या किया है, कैपिटलाइज, और जनवरी से जून वाली को हमने क्या किया है, एक्सपेंस में डाला। ये नरेशन टाइप अगर आप कुछ लिखना चाहें, ठीक है जी। तो जुलाई से दिसंबर, वैसे तो ऊपर भी लिखा ही हुआ है और कितना क्लियर करना है, जुलाई से दिसंबर को हमने इधर डाल दिया है और बाकी को इधर डाल दिया है। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए 30 और 15 की एंट्री इधर कर रहा हूं, 30 और 15 के साल की एक एंट्री रह गई है और वो किस चीज की है, अमोर्टाइजेशन। बताएं जी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अकमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अच्छा जी, इनटेंजिबल किताबों में कितने का है, 12.6 × 4। तो 12.6 × 4 इज इक्वल टू 13। अब रेजिडुअल वैल्यू देख लेते हैं, ये कॉस्ट है भाईजान, मैं रेजिडुअल वैल्यू बोल रहा हूँ, आप 10 साल बोल रहे हैं, अल्लाह आपके भाग लगाए। इट इज एस्टिमेटेड एट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ आमतौर पे जो है प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, यानी हमारी शेल्फ पे या हमारे दफ्तर में इतना अर्सा ये इस्तेमाल हो जाएगा, बस लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाई लाइफ कर दें फिर, कॉस्ट डिवाइडेड बाई लाइफ जी। लेकिन ये फैक्टर जो है वो हमें अमोर्टाइजेशन देगा कितने महीने की, 1 साल की। लेकिन हमारे इनटेंजिबल मुकम्मल हुए यकम जनवरी 15 को, तो हमने 6 महीने की अमोर्टाइजेशन निकालनी है, इंटू 6/12 0.65। अब मैं उधर से एंट्री मिटाने लगा हूं और यहां लिखने लगा हूं ताकि उधर व्हाइट बोर्ड यूज कर सकूं, अकमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 0.65। ये है यकम जनवरी 15 से लेके 30 जून 15 तक की अमोर्टाइजेशन। ये पढ़ा चले जी। कहाँ पे भाई, कह रहे हैं कि जो
रिसर्च के 6 महीने की डेप्रिसिएशन है, उसको यहाँ रिसर्च एक्सपेंस के नाम से लिखते हैं, कोई मसला नहीं। ये भी P&L में जानी है, ये भी P&L में जानी है, इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बोंगे ने बाहर निकल के पढ़ा के एक्सप्लेन लिखा हुआ था, अपनी तरफ से 7 नंबर लगा के बैठ गया था, यार एक सवाल तो सही हो गया है। तो बाहर निकल के पढ़ा तो क्या लिखा हुआ था, एक्सप्लेन। आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15। 30 जून 15 के साल में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं, किस साल में? 30 जून 15 के साल में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं। तो दिखने में लग रहा है कि 30 जून 14 के साल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बतानी, रिक्वायरमेंट के मुताबिक 30 जून 15 के साल की ट्रीटमेंट बतानी है और 30 जून 14 के साल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बतानी, दिखने में ये लग रहा है। अच्छा, अब मोहतरम, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ और सारी फिगर्स एक दफ़ा टैली करते हैं कि जो फिगर्स हमने यूज़ की हैं वही फिगर्स इसने सॉल्यूशन में भी यूज़ की हैं। पेज नंबर कौन सा है? 25। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉग्निशन एज इंटेंजिबल, ये हेडिंग देना कोई जरूरी नहीं है ऐसी, बस सिंस द न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, न्यू प्रोडक्ट सवाल में लिखा हुआ था, सिंस द न्यू प्रोडक्ट मीट ऑल द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट कर रही थी। देखें, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो रहा है, सवाल में लिखा हुआ है। सिंस द न्यू प्रोडक्ट मीट द मेट ऑल द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, एन इंटेंजिबल शुड बी रिकॉर्डेड एट 13 मिलियन विच इज डिटेल्ड एज अंडर। इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर दें 13 मिलियन पे, 12.4.6। तो सबसे पहले उसने ये कहा है कि इंटेंजिबल को आप किस पे रिकॉर्ड कर दें, इसका मतलब है डिस्कस में उसने माने ना माने इसको, इसको और इसको डिस्कस कर लिया है। हाँ, इसका पॉइंट 4 अभी रहता है, लेकिन किसी हद तक इन दोनों को, इनको डिस्कस कर लिया है। कैसे? अभी आपको याद है कॉस्ट हमने निकाली थी 12.6.4। अब इन तीनों के नाम बता दें क्या है। 12 का क्या नाम है? डेवलपमेंट। 6 ट्रायल रन, और 4 डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज। इसका क्या नाम है? डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज। तो व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट? ये 12 कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन इनकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, दैट इज यकम जुलाई से 31 दिसंबर। देख रहे हैं सवाल को कैसे फैला रहे हैं, डिटेन रूटेन डाल के। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 मिलियन, डेप्रिसिएशन ऑफ पॉइंट कितनी, डेप्रिसिएशन ऊपर वाली डालनी है नीचे वाली डालनी है? ऊपर वाली, ऊपर वाली 0.8 कैसे आया? 0.8 आपको याद है आया था 4/5 और फिर उसको 6/12 किया था। डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4, 4/5 इंटू 6/12, आई कैप ऐसे ही थोड़े से पंगे पंगे लेते हैं, इंटू 6/12। तो इंटू 6/12 डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 0.4, यानी कि 4/5 इंटू 6/12 ऑन लैब इक्विपमेंट फॉर 6 मंथ। अच्छा, इनके साथ कुछ आगे लिख क्यों नहीं रहा? शुड बी कैपिटलाइज्ड, शुड बी कैपिटलाइज्ड, वो ऊपर लिख दिया ना। और ये दो नुक्ते आपको पता है क्यों होते हैं? ओके, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन अमाउंटिंग टू 0.6 मिलियन। ट्रायल रन को भी आपने क्या करना है? कैपिटलाइज। डन। तो ये कॉस्ट आ गई एसेट की,
और एग्जामिनर की डिस्कशन जरा सोचें कहां चल रही है, सिर्फ 30/15 पे। अब एक चीज डिस्कशन वाली रह गई कि ट्रेनिंग को एक्सपेंस में डाल लें, दूसरी चीज डिस्कशन वाली रह गई कि इस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में डाल लें, और तीसरी चीज डिस्कशन वाली रह गई हमारे इंटेंजिबल शहजादे को अमोर्टाइज करना है। और आपने देखा है थ्योरी के सवाल में वो साथ साथ न्यूमेरिकल फिगर्स निकाल के देता जा रहा है। ओके, अगली उसने हेडिंग क्या रखी आपके सामने, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल। अब अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल की जरा इंग्लिश आप खुद बनाने की कोशिश कर लें कुछ। द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल विल बी, अब इंग्लिश खुद बनाए ना, अब आई कैप पे डिपेंड ना, नहीं, विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years, दैट इज फाइनेट लाइफ। फाइनेट है या इनडेफिनेट है? फाइन 10 years, 10 years, दैट इज फाइनेट लाइफ, इनडेफिनेट लाइफ नहीं है। अमोर्टाइजेशन ऑफ रुपीज 0.65 विल बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फ्रॉम 1 जनवरी 2015 to 30 June 2015 एज कैलकुलेटेड इन साथ वाले का पेपर। सिंस द प्रोडक्ट हैज अ लाइफ ऑफ 10 years, द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 13 divided by 10 into 6/12 should be charged to P&L for the period of 6 months, that is 30 June 2015। Done? अच्छा जी, अब अगली डिस्कशन, मैं इसको जरा अभी काट रहा हूं, इसको छोड़ें। रिसर्च एंड अदर कॉस्ट, कोई जरूरी नहीं है इसी तरतीब में आप चल रहे हो, आप एंट्रीज की तरतीब में पेपर में लिखाएं। बहरहाल अब उसने एक हेडिंग दी है, क्या इस साल की भी डिस्कशन शुरू कर दी है, ये मैं बताता हूं क्यों। रिसर्च एंड अदर कॉस्ट्स, अदर कॉस्ट्स कोई होंगी, ये कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी मेरे ख्याल से रहती है अभी तक डिस्कस करने वाली, और इनकी शायद डेप्रिसिएशन वगैरह भी रहती है डिस्कस करने वाली। तो रिसर्च एंड अदर कॉस्ट्स, अच्छा ये जो रिसर्च कॉस्ट होगी या ट्रेनिंग कॉस्ट होगी या एक और मैंने आपको बताई थी एडवर्टाइजमेंट, इनके साथ में आपने पेपर में एक फिकरा लिखा करना है, IAS 38 डज नॉट अलाउ द कैपिटलाइजेशन। क्या क्या फिक्रा लिखा करना है? IAS 38 डज नॉट अलाउ द कैपिटलाइजेशन, या IAS 38 प्रोहिबिट्स द कैपिटलाइजेशन, थोड़ा सा प्रोफेशनल फिक्रा हो जाएगा ना, क्योंकि आपने तो यही लिखा है रिसर्च इज एक्सपेंस। बी प्रोफेशनल गाय, और गाय ना हो, और जमाना था युवा चिड़िया। IAS 38 डज नॉट अलाउ द कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट पर्टेनिंग टू रिसर्च वर्क, देयरफॉर दीज कॉस्ट शुड बी चार्ज टू P&L इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। IAS 8 पढ़ा हुआ है? IAS 8 ये IAS 8 की डिस्कशन है, इसको अभी मैं एंड पे पढ़ूंगा, आगे चलें। ये रिसर्च की बात हो गई, हाईलाइट करते रहे, और कोई रहेगी वो हमारी ट्रेनिंग की बात रहती है, ट्रेनिंग की बात रहती है। कॉस्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर कैपिटलाइजेशन एंड शुड बी चार्ज टू P&L फॉर द ईयर एंडेड 30/15। अच्छा ये वाली किस साल की थी, 30/14 की, और ये वाली 30/15 की। और इन द एंड अब उसने मेरे ख्याल से दो डेप्रिसिएशनें पकड़ी हैं जो रह गई हैं। क्या क्या कवर हो गया बोले, रिसर्च कवर हो गया, ट्रेनिंग भी कवर हो गया, अमोर्टाइजेशन भी कवर हो गया। अब ये वाली डेप्रिसिएशन 0.4 की पिछले साल वाली, और ये वाली डेप्रिसिएशन 0.4 की, ये वाली इस साल वाली, इन दोनों की डिस्कशन रह गई है। तो इन दोनों को भी कहां डालना है बोले, P&L में। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है, रिसर्च फेज वाली, और ये कौन सी डेप्रिसिएशन है, जब लैब इक्विपमेंट लैब में उदासी में पड़ा रहा, किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 0.4 मिलियन ऑन लैब इक्विपमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ
कमर्शियल प्रोडक्शन डेट इज 1 जनवरी 2 30 जून शुड बी चार्ज टू पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। ये किस डेप्रिसिएशन की बात की इसने? इस वाले पॉइंट फोर की। इस वाले पॉइंट फोर को तो हमने एसएल की कॉस्ट में डाल दिया था, इसकी शायद उसने डिस्कशन नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की। अच्छा ऊपर बिल्कुल वो मैं उसी की तरफ आने लगा हूं। अच्छा यहां तक आप मुझे बताएं कि जितना आपका IAS 38 का नॉलेज था वो सारा अप्लाई हो गया यहां पे, और यहां तक उसकी एक रिवीजन भी हो गई और पता भी चल गया किन चीजों को एसेट की कॉस्ट में डालना है, किन को एक्सपेंस में डालना है। हाँ गलती क्या हो सकती है पेपर में? पेपर में जो गलती तो नहीं, मैं ऐसे कहूँगा आपकी तरतीब कोई अपनी होगी। आपको पता है आपकी तरतीबें तो अपनी होती हैं, तो आपकी तरतीब कोई अपनी होगी लिखने की, तो आप जो है वो शुरू ही यहाँ से करेंगे। रिसर्च फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 ऑफ ₹8 million शुड बी चार्ज टू एक्सपेंस, या इससे बेहतर फिक्रा IAS 38 डज नॉट अलाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ रिसर्च एक्सपेंस, देयरफॉर इट शुड बी चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। हो सकता है आप यहां से तरतीब से शुरू कर दें। एंड लैब इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू ₹4 million शुड बी कैपिटलाइज्ड इन 30 जून 2014। एंड नेक्स्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ रिसर्च फेज फ्रॉम 1 जनवरी 2014 to 30 जून 2014 अमाउंटिंग टू ₹4 million शुड बी चार्ज टू एक्सपेंसिस, शुड बी चार्ज टू पी एंड एल। हो सकता है आप इस तरतीब से चलें, तो इस तरतीब से भी चलेंगे तो कोई मसला नहीं। एंड इन 30 जून 2014 द डेवलपमेंट फेज फ्रॉम 1 जुलाई 2014 to 31 दिसंबर 2014। भाई जन वो 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2015 है, जरा जहन में लाओ, दूसरा साल 1 जुलाई 2014 को शुरू हो रहा है। द डेवलपमेंट फेज फ्रॉम 1 जुलाई 2014 to 31 30 जून कहां से आ गया? डेवलपमेंट फेज फ्रॉम 1 जुलाई 2014 to 31 दिसंबर 2014 एंड ट्रायल रन कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज फ्रॉम जनवरी, संभाला जाएगा बड़ा फिक्र, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर अमाउंटिंग टू ₹0.4 एज कैलकुलेटेड बिलो शेल बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एज इट शुड मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें एसेट की कॉस्ट में डाली जाएंगी। बात तो फैल गई थी लेकिन बात आसान थी। एंड एट ईयर एंड इनटेंजिबल विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ फाइनाइट लाइफ ऑफ 7 शायद पता नहीं कल का जा रहे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स एंड अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज फ्रॉम ओनली 1 जनवरी 2015 to 30 जून 2015 सिर्फ, एंड विल बी चार्ज टू पी एंड एल। हाउएवर ट्रेनिंग कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन After development phase should be charged to P&L. Clear? तो आप हो सकते हैं इस तरतीब से लिखाएं। तो ये जो आपकी तरतीबें हैं, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपकी तरतीबें हैं, ये बिल्कुल सही तरतीबें हैं, कोई मसला नहीं। अब हमारा मसला और फड्डा वहीं फंसा हुआ है कि भाईजन उसने सवाल में रिक्वायरमेंट में कहा है कि 30 जून 2015 को डिस्कस करो, और हम ओवर एफिशिएंट बन के किसको डिस्कस कर रहे हैं? 30 जून 2014 को। अच्छा अगर ये सारा भी आप कर रहे थे ना जितना मैंने बताया, तो 7 में से 6 marks आप गेन कर लेते हैं। लेकिन एक जो है ना मसला हो गया है वो ये है कि अकाउंटेंट ने ना ब्लंडर मार दिया। अकाउंटेंट ने ब्लंडर क्या मारा है? वो ब्लंडर ही क्या जो दिखाया ना जाए, एंड डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस। अकाउंटेंट ने ये ब्लंडर मारा है, इसे कहते हैं रॉन्ग एंट्री। इससे पहले मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे कौन सी एंट्रीज की हैं? ओरिजिनल। इसने कौन सी एंट्रीज कर दी? रॉन्ग एंट्रीज कर दी। और इसने कहां डाल दिया सारे खर्चे को? इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड वर डेबिटेड टू CWIP। अच्छा अकाउंटेंट ने पूछा भाई जॉन 30 जून 14 में कितना खर्चा हुआ? हमने कहा जी 30 जून 14 में हुआ 12 का खर्चा। अकाउंटेंट ने पूछा भाई जॉन 30 जून 15 में कितना खर्चा हुआ? हमने कहा जी 13.5 का खर्चा। कहते हैं फड़ो भाई CWIP डेबिट
कैश क्रेडिट, और सादा काम रखो यार, क्या देसी काम रखो, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ हाँ, चलो भाई होगी एंट्री, चलो भाई मैं घर जा रहा हूँ, आजरा जल्दी जाना था। अरे दिमाग की दही बनी हुई है तेरे, पागल है तू, दीवाना है तू, मस्ताना है तू, कौन है तू, क्या है, कहते हैं बट आई हैव डन इट एंड आई वेरी डिसीजन ले आई हैव डन इट, फोन करो सही करो, मैं तो कर गया, मैं कर गया जो करना सी, नो इट्स अप टू यू पीपल, अब आप लोगों ने देखने की क्या करना है। तो इसने सारे के सारे खर्चों को उठा के किस में डाल दिया, ना देखा क्या खर्चा है, ना देखा क्या टेंजेबल है, ना देखा क्या इनटेंजेबल है, बल्कि उठा के सारे खर्चे को किधर डाल दिया, CWIP के अंदर। ओके, तो इस जी जी इसी क्या करना है, बंद करवाने से तो भाई इसके विंग्स ऊपर करवा दें, मैं तो वो नहीं, इधर लगवाने का कह दिया तो ये तो मसला हो जाएगा, इधर भी लग जाएगा। अच्छा फिलहाल इसके विंग्स ऊपर करवा दो, विंग्स ऊपर करवा दो, और कुछ ना दाएं बाएं लोग बैठ जाया करें देख के, इसी के डायरेक्ट शो जहाँ ना पड़ी हो या जिसको शो उसके मुताबिक बैठ जाया करें। अच्छा अब आप मुझे ये बता, नहीं नहीं तो यार हल तो निकालना होता है ना, हद होगी। ओके अब मोहतरम इस सारे की जगह किसी को मैसेज किया, ठीक है फोन कर दो जल्दी आ जाएगा। अच्छा इस सारे की जगह अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी, मुझे बताएं 30 जून 2014 को सिर्फ एक एंट्री हुई, एक लफ्ज उसने लिखा हुआ है, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड वर डेबिटेड, ये खर्चे हुए और डेबिट भी हो गए CWIP में। याद रखिएगा डेबिट गलत किया, क्रेडिट गलत नहीं होता, क्रेडिट कैश ही होता है, क्रेडिट कैश ही होता है। और एक बात याद रखिएगा, जब CWIP में उसने डेबिट किए ये खर्चे तो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की होगी, क्योंकि CWIP वाली चीज़ों पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। तो ये ना समझिएगा कि CWIP में चल के बोंगा जो है वो नशे में अगली एंट्री भी कर गया होगा डेप्रिसिएशन की, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद CWIP मान के गया है, तो CWIP को क्यों डेप्रिशिएट किया होगा उसने। ऑल एक्सपेंसेस 13.5 एंड 12, 30 जून 2014 में कितना खर्चा 12, और इधर ये सारा का सारा, हाँ ठीक है ये सारा का सारा उसने किधर डाल दिया, CWIP में। अच्छा अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया, जो आपको नोट्स पे लिखवाया है, वो सारी ओरिजिनल एंट्री की डिस्कशन हुई है या रॉन्ग के बाद रेक्टिफाइंग की भी डिस्कशन हुई है? तो यार ICAP ने ना 30 जून 2015 के बारे में ना कोई बात नहीं लिखी, 30 जून 2015 के बारे में ना एक बात मैं आपको लिखवाऊंगा, वो बस एंड पे आपने डालानी है, एक बात मैं आपको लिखवाऊंगा वो एंड पे डालानी है। वो क्या, इस तरह एंट्रीज करके ना एक रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी बनती हैं, वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज आपको फिर किसी दिन करवानी है बाद में आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर मैं ये सारी डिस्कशन करूं 15 के बारे में कि 12.6 and 4 शुड बी डेबिटेड, ट्रेनिंग शुड बी डेबिटेड, अमोर्टाइजेशन शुड बी डेबिटेड, एंड पे एक लाइन डाला हूं These relevant accounts will be debited and CWIP will be credited. यानी इन सारी एंट्रियों को तुम रिकॉर्ड करो, ये ओरिजिनल एंट्रीज हैं, और ये कौन सी एंट्री है पिछले साल की, मैं बात करता हूं अभी, और ये कौन सी एंट्री है रॉन्ग। तो एक लाइन अगर 30 जून 2015 की डिस्कशन के नीचे लिखनी हो तो वो आप इस तरह लिख के आ सकते हैं, ICAP को लिखनी चाहिए थी उसने लिखी नहीं, वो जरा लिख लें, इन 30 जून 2015 द रेलिवेंट अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, इधर देखें द रेलिवेंट अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, जो जो अकाउंट डेबिट करने हैं वो करें ना, CWIP तो डेबिट ना करें, द रेलिवेंट अकाउंट्स विल बी डेबिटेड एंड CWIP will be credited. Relevant accounts को debit कर दें
और CWIP को क्रेडिट कर दें। रेलिवेंट अकाउंट कौन से हैं जिनके बारे में आपने ऊपर बता दिया, इनको कहाँ कहाँ डालना है, डन। अच्छा जी, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ये सवाल किस साल में उसने हमें दिया है, 15 में, और 15 में सवाल जब दे रहे तो खड़े होके बता रहे कि 14 वालियों को भी मैं CWIP में डाल चुका था। इसके विंग्स ऊपर कर दो। 15 का सवाल दे रहे और 15 में खड़े होके बता रहा है कि मैं 14 में भी CWIP डेबिट कर चुका हूं। मुझे बता दें कि ये जो मैं 15 का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं 30 जून 14 पे खड़े होके कर रहा हूं या 15 पे खड़े होके? तो अगर इस दिन खड़े होके मैं 30 जून 15 का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या 30 जून 15 के सवाल में मुझे 14 की गलती भी पकड़ी गई? बोले बोले बोले। तो मैं 30 जून 15 के सवाल में एक तो ओवर हियर की एरर है, लेकिन IS-8 में आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा प्रायर ईयर एरर। ये लफ्ज कितने लोगों ने सुना हुआ है, प्रायर ईयर एरर। मैं खड़ा कहां हूं, 30 जून 15 में, और मुझे एरर किस साल की पता चली, 30 जून 14 की। तो स्टैंडिंग ऑन 30 जून 15, स्टैंडिंग ऑन 30 जून 15। जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो चंद दिनों बाद हम पढ़ेंगे, असल में हम 30 जून 15 को नहीं खड़े होते, इसके भी 2-3 दिन बाद ही खड़े होते हैं, क्योंकि 30 जून 15 की रात को सब कुछ ये सारे काम करके नहीं जा सकते हम, तो 2-3-4 दिन बाद ही खड़े होते हैं। तो स्टैंडिंग ऑन 30 जून 15 वी आइडेंटिफाइड एरर ऑफ 30 जून 14। ये बात लिखें डायग्राम बना के, स्टैंडिंग ऑन 30 जून 15 वो आइडेंटिफाइड एरर ऑफ 30 जून 14। ये बनाए, और जिनको नजर नहीं आ रहा मैं बोलता हूं, स्टैंडिंग ऑन 30 जून 15 वो आइडेंटिफाइड एरर ऑफ 30 जून 14। रेक्टिफाइंग एंट्री तो हमने कर दी नहीं ना, हम डिस्कशन में बस लिखाएंगे। ये वाली जो सारी डिस्कशन कर लेंगे ना, उसके बाद वो लाइन लिख के आएंगे, द रेलिवेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड CWIP शुड बी क्रेडिटेड। 30 जून 15 की डिस्कशन करने के बाद ये लिखेंगे। सवाल में लिखा हुआ है दोनों सालों में डेबिट हुआ CWIP। हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट लिखेंगे ना जो मैंने लिखवाई है। अच्छा, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड, किस किस साल, दोनों साल। अच्छा, अगली बात मुझे बता दें, अब ये IS-8 की बात है, इसको हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे। अब ये जो मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा, ना भी एब्जॉर्ब हुई तो आने वाले दिनों में इसकी रिविजन होनी है। IS-8 वाली बात है, आप वो सुन लें। अच्छा, तो अब यहाँ पे फुल स्टॉप डाल के लिखें, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रायर ईयर एरर। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रायर ईयर एरर, इसको कहा जाता है प्रायर ईयर एरर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पिछले साल की गलती अगर मैं इस साल पकड़ लूं, इधर देखें, ये 2023 है, ये 2022 है, यहां पे खड़े होके मुझे पता चला कि 2022 में डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट नहीं हुआ, एंट्री अकाउंटेंट भूल गया, एंट्री अकाउंटेंट ने उमिट कर दिया। अब आप मुझे बताएं, मैं इस दिन खड़े होके मुझे पता चला है कि इस साल मैंने कुछ चीज़ें उधार पे बेची थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन वो एंट्री अभी तक नहीं हुई, डेटर भी पैसे नहीं देके गया, वो एंट्री भी अभी तक नहीं हुई। अब मुझे बता दें, मैं टाइम मशीन में बैठ के इधर जा सकता हूँ? मैं तो पिछले दिन में नहीं जा सकता बैठ के, तो मैं पिछले साल तो जा नहीं सकता। अब मजबूरन मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर खड़े होके अपने सर पे खुरक करूँगा और ख़ारिश करके सोचूंगा
कि भाई जान अब 23 के एंड पे खड़े होके 22 की गलती सही करूं तो मैं सोचूंगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन फिर मैं सोचूंगा कि अगर मैं 23 में सेल क्रेडिट कर दूं तो फिर तो इसी ना दे इधर दे, अगर मैं 23 में खड़े होके सेल क्रेडिट कर दूं तो फिर तो 23 की सेल में ये वाली सेल भी आ जाएगी, तो फिर तो सेलो सेल हो जाएगी, तो ये तो मुनासिब है या नामुनासिब? और क्लास में नामुनासिब बात नहीं करनी चाहिए। तो बता दें अगर ये जो सर में खुरक किए जा रहे हैं आप इसे रोक रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करना दूं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करना दूं, आप पकड़ेंगे रशीद नहीं, आप पूछेंगे ये है क्या, कहेगा चाचे सेल, आप कहेंगे ये है क्या, कहेगा सेल, क्या किस साल की है, वो कहेगा कन इधर कर ऑफ 2022, आप कहें खाना जाइए ऑफ 2022, ये किस साल की सेल है? तो मोहतरम 2022 की जो सेल है वो 2022 के P&L में डालनी चाहिए थी, वो अब हम डाल नहीं सकते, तो इसलिए एक अकाउंटेंट्स यूज करते हैं, उसका नाम होता है प्रॉफिट्स या अर्निंग्स का अकाउंट, जिस अकाउंट में ना सिर्फ 22 के प्रॉफिट्स पड़े होते हैं बल्कि 21 के साल के भी बल्कि 20 के साल के भी, उस अकाउंट में सारे सालों के प्रॉफिट पड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस वक्त सेल में से खर्चे माइनस करते हैं जवाब आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट इकट्ठे होते रहें तो उस अकाउंट का नाम हो जाता है अकमुलेटेड प्रॉफिट, और वो जो अकमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो होता है रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में, वो किस अकाउंट में होता है? रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में। तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमने डिटेल से बात करनी है, बहरहाल फिलहाल एक कॉन्सेप्ट छोटा सा लिख लें कि 22 की गलती 23 में क्या एंट्री करके सही करते हैं, डेटर को डेबिट ही करेंगे, इसमें कोई राय नहीं, डेटर से पैसे लेने हैं उसे डेबिट करना है, लेकिन सेल क्रेडिट करने की बजाय अर्निंग क्रेडिट कर दें, और अर्निंग क्रेडिट हुआ करेंगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, वो भी हमने आने वाले दिनों में बनानी है। रिटेन्ड अर्निंग कहां क्रेडिट हुआ करेंगी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, यानी हमारी इक्विटी बढ़ गई है, हमारी वर्थ बढ़ गई है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले हेडिंग दें, ऑन 31 December 23 वो आइडेंटिफाइड, ऑन 31 December 23 वो आइडेंटिफाइड दैट सेल ऑफ दो हजार बाईस इज नॉट रिकॉर्डेड, नाउ वी विल यूज डेट ऑफ 31 December 23 एंड विल पास दिस एंट्री। अब हम 31 December 23 की डेट डाल के ये एंट्री करेंगे, नाउ वी विल यूज डेट ऑफ 31 December 23 एंड विल पास दिस एंट्री, क्या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करें, फिर सेल काट के, सेल तो इस साल की सेल में सेल चली जानी है फिर तो, ये तो इस साल की सेल और पिछले साल की सेल जमा होगी तो P&L तो पता नहीं आसमानों पे पहुंच जाना है, यूजर परेशान होंगे इतनी सेल कैसे हो गई, तो इसलिए डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या डेटर डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे बता दें रिसर्च एक्सपेंस, इसमें ना हम रिवीजन करेंगे आने वाले दिनों में, तो हमें पता चलेगा अर्निंग्स में क्या पड़े होते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज या इनकम्स और एक्सपेंसेस, इनकम्स और एक्सपेंसेस, तो इसलिए मैंने डेटर को काटा है या सिर्फ सेल को काटा है, सेल को काटा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि रॉन्ग एंट्री में मैंने एसेट बना लिया है पिछले साल या कोई एक्सपेंस भी बनाया है,
एसेट बना लिया कितने का? 12 का। हालांकि मुझे एक्सपेंस बनाना चाहिए था 8.4 का। 8.4 का मुझे क्या बनाना चाहिए था? क्या आपको ये एंट्रीज देख हो रहा है? 14 की एंट्रीज देख के जरा फील करें, 8.4 खर्चों में डलना चाहिए था और खर्चों में जीरो डला। ये तो एसेट है ना, ये तो एसेट है, ये तो बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे नजर आ रहा होगा। तो बता दें कितना खर्चों में डलना चाहिए था? 8.4। कितना खर्चों में डलना चाहिए था? 8.4। और खर्चों में कितना डला? जीरो। एसेट कितना बना? 12 का। अभी मेरी डिस्कशन एसेट पे नहीं है, जैसे मैंने डिस्कशन सेल पे की है वैसे मैं डिस्कशन खर्चों में करूंगा। अब बता दें सेल बढ़ाने से अर्निंग बढ़ी, तो क्रेडिट किया हमने इसको, सेल बढ़ाने से अर्निंग बढ़ी। खर्चे रिकॉर्ड नहीं किए कर दें, हाँ 15 में खड़े होके 14 के सही करेंगे, 15 में खड़े होके 14 के सही करेंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा? स्टैंडिंग ऑन 30 जून 15 वी आइडेंटिफाइड एरर ऑफ 14, देयर फॉर द एक्सपेंसेस शुड बी इंक्रीज्ड बाय 8.4 एंड रिजल्टेंटली अर्निंग विल डिक्रीज, अर्निंग विल डिक्रीज बाय 8.4। अर्निंग कितने से कम हो जाएंगी? 8.4 से कम हो जाएंगी, क्योंकि जिस साल के, अच्छा ऐसा तो नहीं कर सकते कि 14 वाली रिसर्च को 15 के P&L में डाल दें, फिर तो रिसर्चू हो जाएगा, तो फिर ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इस साल की डेप्रिसिएशन को 15 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दें, नहीं, पुराने खर्चों को अर्निंग्स में एडजस्ट किया करेंगे या पुराने खर्चों को P&L में एडजस्ट किया करेंगे? पुराने खर्चों को इस साल के P&L में सही किया करेंगे या पुराने खर्चों को अर्निंग में सही किया करेंगे, और पुरानी सेल को भी अर्निंग में सही किया करेंगे। वो जो लाइन रहती थी हमारी, However, research cost of and depreciation for research phase of point pertain to relate to last year. Therefore, comparative figures, पिछले साल की figures बदलनी पड़ेंगी। Comparative figures का क्या मतलब है? हम 15 में खड़े हैं तो comparison किससे करेंगे? 14 से करेंगे। 10th में खड़े हैं तो 9th से comparison करेंगे। 10th में खड़े होंगे ये नहीं कहेंगे 11 में मैंने पास होना है, 10th में खड़े होंगे कहेंगे 9th में ये हुआ था, अब 10th में ये हुआ है। तो therefore comparative figures for the year ended 30 जून 14 should be recalculated, पिछले साल के figures restate करनी पड़ेंगी, एंड रिटेन्ड अर्निंग शुड बी एडजस्टेड फॉर। कोई ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि 7 नंबर का सवाल था, वो ज्यादा डिटेल में नहीं गया, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग एडजस्टेड की जगह आप तो लिख रहे ना रिटेन्ड अर्निंग शुड बी डेबिटेड। रिटेन्ड अर्निंग बढ़ाऊं या खर्चे रिकॉर्ड करने से कम होगी? कम होगी। रिटेन्ड अर्निंग शुड बी डेबिटेड फॉर दीज अमाउंट्स। ये जो एडजस्टेड का लफ्ज होता है ना, इसको गोली कहते हैं। गोली पता है? आप किसी फर्म में चले गए और आप चलते चलते 2.5 साल बस सीनियर हो गए। अब आपको कोई जूनियर आया, उसने आके पूछा सर ये 5 रुपये की फिगर है, इसको ऐड करना है या लेस करना है? आपने गुस्से में कहा जाओ एडजस्ट कर दो, क्योंकि आप सोच रहे थे पता नहीं ऐड करना है या लेस करना है। तो ये जो एडजस्ट करना गोली होते हैं, एग्जामिनर ने एडजस्ट करना लिख दिया, उससे लिखा गया गलती से। एडजस्ट की जगह अच्छा लफ्ज़ क्या है बताओ? एडजस्ट कैसे करना है, बढ़ानी है अर्निंग या कम करनी है अर्निंग? आप जरा सोच के बताएं, सेल बढ़ी थी तो अर्निंग बढ़ी थी, इधर रिसर्च बढ़ानी है पिछले साल की और पिछले साल की डिप्रिसिएशन बढ़ानी है। पिछले साल के खर्चे अगर इस साल बढ़ाना चाहें तो खर्चे बढ़ने से अर्निंग कम होंगी, तो एडजस्टेड की जगह क्या लिख लें? और दो असूल बता दें कि इनकम या सेल पिछले साल की बढ़ानी हो तो रिटेन्ड अर्निंग
तो रिटेन्ड अर्निंग बढ़ेगी। और दूसरा असूल बता दें, एक्सपेंसेस किस साल के, प्रायर ईयर के, क्या करने हों, बढ़ाने हों, तो आर ई एब्रीवेशन यूज कराऊं। रिटेन्ड अर्निंग क्या करेंगे, कम करेंगे। हमारे सवाल में कौन सा रूल लगाना पड़ा, रिसर्च आठ से बढ़ानी थी और डेप्रिसिएशन 1.4 से बढ़ानी थी, डेप्रिसिएशन भी बढ़ानी थी ना, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी थी, एसेट वगैरह डेबिट किए हुए एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, वो सारी डिस्कशन होगी। लेकिन ऑब्वियसली 7 नंबर में फिर इतना मार्जिन नहीं था कि उसने ये डिस्कशन की, तो मैंने कहा रेक्टिफाइंग एंट्रीज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये CWIP डेबिट भी हो गया ना, इसको भी क्रेडिट करना है और बाकी काम भी करने हैं। जी फॉर द ईयर में इसलिए नहीं की कि अगर इस साल हम इस साल के P&L में पिछले साल की रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कर देते तो इस साल के प्रॉफिट्स एकदम कम हो जाने थे, और यूजर ने पूछना था क्या ऐसा हुआ, तो हमने कहना था पिछले साल का खर्चा डाला, तो पिछले साल का खर्चा डाला ये तो गड़बड़ चीज़ है। तो जो चीज़ जिसकी है, जो खर्चा जिस साल का है, उसको उसी साल रखना पड़ेगा। तो हमारे साल खड़े होकर पिछले साल की गलतियाँ मिला करेंगी, लेकिन उसको इस साल के P&L में डाल देंगे या अर्निंग में डाल देंगे, अर्निंग में डाल। क्लियर? तो लिखें, प्रायर ईयर एरर्स विल बी एडजस्टेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स या विल बी एडजस्टेड इन डायरेक्टली इन P&L। हाँ, प्रायर ईयर एरर्स विल बी एडजस्टेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स, prior year errors will be adjusted in retained earnings. चलें यार, ये इसमें से बता दें क्या चीजें एक्सपेंस में डालनी है, क्या कैपिटलाइज करनी है। पास पेपर क्वेश्चन 15, पास पेपर क्वेश्चन 15, इसको फारिग कर दें अभी। भाईजन खाली इसी से काम नहीं चलेगा, आपको रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स लिखी हुई किताब में मौजूद हैं कहीं, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्टैंडर्ड बेशक ढूंढ ले अपने घर से। तो हो सकता है ये 4-5 नाम आ रहे हैं, पता नहीं इसमें रिसर्च क्या है, पता नहीं इसमें डेवलपमेंट क्या है, तो ये कुछ नाम आ रहे हैं, पता नहीं वैल्यूएशन, क्रूई प्रोडक्शन, पायलट प्लांट, पीजे, ये क्या चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है आपको पता चल जाए इसमें से कौन सी रिसर्च है, कौन सी डेवलपमेंट है। क्लियर? तो इसलिए फिर क्या खरीद लें, बेहतर है ICAP से जाके स्टैंडर्ड खरीद लें IFRS, क्योंकि ये चीज़ें हमने तो नहीं याद की हुई कि क्या रिसर्च है क्या डेवलपमेंट है। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑन यकम जनवरी 20। जी भाईजान, डेवलपमेंट किसने शुरू किया है? यकम जनवरी 20। छिक के काम रखा है, दुनिया में लोग पहले रिसर्च करते हैं फिर डेवलपमेंट करते हैं, इन्होंने कहा छिक के रखो सीधा डेवलपमेंट, आंखें बंद करके डेवलप ही करना शुरू करो सीधा, रिसर्च शुरू की जरूरत नहीं, हम पहले ही पहुंची हुई सरकार हैं। आ भाई ने कहा, डब लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑन यकम जनवरी 20, इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड, इसने फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर किए। ओके, ये खर्चा किस महीने हुआ? जनवरी में। ये खर्चा फरवरी में भी हुआ, और ये खर्चा अप्रैल में, मई में, जून में। तो ये एक महीने हुआ खर्चा, और ये दो महीने हुआ खर्चा, और ये कितने महीने होता रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और यार जैसे घर बन रहा होता है, एक महीने में बेसमेंट बन गई, दो महीने के अंदर ग्राउंड फ्लोर बन गया, अब कुछ शुरू ही फर्स्ट से करते हैं शहजादे। अच्छा, तो
अब पहले बेसमेंट बन गई, फिर ग्राउंड फ्लोर बन गया, फिर फर्स्ट फ्लोर बन गया, तो इनटेंजिबल बन रहे। पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स कितने महीने ढूंढते रहे? जनवरी के महीने। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स कितने महीने बनाते रहे? दो महीने। पायलट प्लांट, पायलट प्लांट से मैंने कहा था कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होती, पायलट प्लांट नहीं होता ये, असल में पायलट प्लांट ही होती है, ये छोटी सी प्लांट ही होती है जिससे हम चीजें बना के देखते हैं, ये कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रही। अच्छा, ये कितने महीने पायलट प्लांट से चीजें बनाते रहे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उसके बाद अपने नाम रजिस्टर करवा लिया इसको, इसका मतलब है शायद कोई चीज बन गई होगी तो हमने सोचा इसको अपने नाम क्या करवा लें, रजिस्टर करवा लें। और उसके बाद इससे हमने क्या बनाए? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स। यार ये एक नई चीज है, ये तो इंशाल्लाह मैं स्टैंडर्ड के पैरास खोल के भी आपको दिखाऊंगा इन तीनों का क्या करना है। ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये बता दें फीस टू रजिस्टर लीगल राइट्स, ये आपके ख्याल से कैपिटलाइज होनी चाहिए, चीज को अपने नाम लगवाना है तो ये क्या होनी चाहिए? कैपिटलाइज होनी चाहिए। बाकियों के लिए तो चलो हम स्टैंडर्ड खोलेंगे। अच्छा जी, ये हमने पढ़ ली है या पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट? भाईजन ये वही खर्चा है सैंपल बनाने का जिसे ट्रायल रन कहा जाता है। सैंपल बनाने के खर्चे को क्या कहा जाता है? ट्रायल रन। तो लिख लें, सैंपल बनाने की कॉस्ट और ट्रायल रन की कॉस्ट, दोनों एसेट की कॉस्ट में क्या होती हैं? कैपिटलाइज होती हैं। क्लियर? अच्छा जी, ये तो यार हम कोई मशीन बना रहे हैं, फर्ज करें छोटी सी मिसाल मसाला लगा के 50 मिलियन की हमने कोई प्लांट खरीदा। ठीक है, जब प्लांट खरीदा तो प्लांट से हमने सोचा यार जरा सैंपल बना के देख लें, सैंपल बेस पे टेस्ट कर लें चीजें बन भी रही हैं या नहीं। तो प्लांट से हमने सैंपल प्रिपेयर किया, मिसाल के तौर पे हम जो है वो दीवानगी को खत्म करने वाली मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो हमने वो जब मेडिसिन बनाई तो मेडिसिन बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा होगा, शीशी खरीदनी पड़ी होगी या शीशा, शीशी, शीशी वापस आ जाए, शीशी खरीदनी पड़ी होगी और डब्बियां भी खरीदनी पड़ी होंगी, फिर रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ा होगा। तो सैंपल प्रिपेयर करते हुए हमारा आउट फ्लो हुआ होगा, पैसे गए होंगे हमारी जेब से, और प्लांट खरीदा 50 मिलियन का तो हमारा आउट फ्लो हुआ होगा ना अच्छा खासा। तो सैंपल बनाए हमने, 5 मिलियन का खर्चा करके हमने सैंपल बनाए। सैंपल आम तौर पे तो सैंपल ही होते हैं और वो मुफ्त बांटे जाते हैं, दीवानों को देखे देखे जाएंगे इन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन आजकल लोगों ने सैंपल भी बेचने शुरू कर दिए हैं और दुनिया में ये आम हो गया है, पूरी पूरी कंपनियां बड़ी बड़ी करोड़ों में वैक्सीनें बना के सैंपल के तौर पे बेच रही हैं, तजर्बे हो रहे हैं। तो सैंपल भी क्या किए जाते हैं? बोलें, बेचे जाते हैं। अच्छा, सैंपल बेच के अक्सर उतने पैसे नहीं आते जितने पैसे आपके लगे होते हैं, उससे भी कम पैसे आते हैं, क्योंकि जब अगले को कहते हैं ना ये सैंपल है तो अगला कहते हैं मेरे पे तजर्बा होने तो ऐसा करो थोड़ा जरा सस्ता रखो इसको, तो सैंपल बेचे जाते हैं। तो सैंपल सेल अगर आप कर दें, यानी कि आपने फर्ज करें 5,000 जो है वो शीशियां बना ली और फुटपाथों पे जितने बंदे बैठे हुए आपको मिलते थे आप उनको जाके वो शीशियां बेचते रहते थे, तो वो करते 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 आपके पास 3 मिलियन का इनफ्लो हुआ, तो अब एसेट किताबों में कितने पे नजर आएगा? तो मोहतरम, इसको इसकी एंट्री प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट प्लांट क्रेडिट, इसकी गलत एंट्री सुने 3 रुपए की, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, ये गलत एंट्री है इसकी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ये गलत एंट्री है इसकी। आप बता दें सिर्फ एक ही एंट्री जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, 50 + 5 - 3 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो फिर 3 एंट्रीज कर लें, नंबर 1 कोई मसला नहीं, पेपर में मार्क्स फिर भी मिलेंगे, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 50,
प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 5 और प्लान कैश डेबिट प्लान क्रेडिट कितने से? 3 से। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट करें और ऊपर हेडिंग दें सैंपल, साथ वाले को ना देखें हेडिंग दें ऊपर सैंपल। अच्छा जी यार, इसके लिए ना कभी कभी रियलाइजेबल वैल्यू का लफ्ज भी यूज होता है। रेजरल वैल्यू नहीं, क्या? रियलाइजेबल वैल्यू। क्या? रियलाइजेबल वैल्यू। ये कभी कभी एनआरवी का लफ्ज भी यूज होता है, नेट रियलाइजेबल। के इस सैंपल अभी पड़े हुए हैं हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह ये बिक जाने और इनसे पैसे आ जाने हैं। नेट कर कुर के जाहिर बात है, अगर आप किसी दीवाने के पास लेके जाएंगे तो जाने का खर्चा भी आएगा, रिक्शे का पेट्रोल भी खर्च होगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। 5 की दवाइयां बनी, इनको नेट कितने का रियलाइज करा सकते हैं आप? सिर्फ 3 का। तो इसके लिए कभी कभी वो एनआरवी का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं सैंपल की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में पूरी जाती है या उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू लेस करते हैं? और उसकी एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट फ्रॉम दीवानास एंड प्लांट क्रेडिट। हमें खुशी होती है ना कि हमारा सैंपल का खर्चा होगा, लेकिन शुक्र है अगले पे डाल के हमारा प्लांट अब सस्ता हो गया। क्लियर? एनआरवी का मतलब यार ये नहीं है, ये कॉस्ट और एनआरवी टाइप चीज नहीं है। ये ऐसा नहीं आपने समझना कि ये कॉस्ट और एनआरवी टाइप चीज है। बस ये IS-2 तो इस पे लग नहीं सकता ना असल में, तो IS-2 लग नहीं सकता, तो इसलिए आप वो वाली चीजें ना लगाएं, क्योंकि ये प्लांट बन रहे हैं तो IS-16 लगेगा। IS-16 में एक लाइन लिखी हुई है, वो IS-16 अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। IS-16 में एक लाइन लिखी हुई है टेस्टिंग कॉस्ट या सैंपल कॉस्ट नेट ऑफ प्रोसीड्स रियलाइज्ड फ्रॉम डिस्पोजल। तो इस किस्म की कोई लाइन वहां लिखी हुई है, लेकिन ये लाइन जो है IS-16 की है, IS-2 की नहीं है। लेकिन ICAP ने एक दफा ऐसी पंगे में एनआरवी का लफ्ज यूज कर लिया था, तो सादा सी बात बस समझे जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है कि सैंपल इतने के बनेंगे और इतने के बिकेंगे, इन दोनों को नेट करके एसेट की कॉस्ट निकल आएगी। अच्छा, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सैंपल, अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना हम क्या बनाते रहे? सैंपल। सैंपल बनाना और ट्रायल रन एक ही चीज है, इनकी कॉस्ट को क्या करते हैं? कैपिटलाइज। लेकिन कौन सा सितारा बना हुआ इधर? काला काला सितारा। yes, काला सितारा देखें जाके नीचे, काला सितारा। ये जो चीजें मैंने 32 की बनाई हैं दीवानों के लिए, तो दीवाने मुझे इस पे दे कितने जाएंगे? 20। इसका मतलब है इस 32 के साथ लिखें आउटफ्लो, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। और आर के साथ लिखें रियलाइज, इस वाले आर के साथ रियलाइज। तो कॉस्ट कितनी इनकर हुई? 32। और रियलाइज कितना होगा? 20। कट कटा के कितना एसेट की कॉस्ट में जाएगा? 32 - 20 = 12। क्लियर? ओके। अब जी इसकी तो डिस्कशन हो गई, 32 में से क्या माइनस करेंगे? 20। कितना हो जाएगा? 12। और इस 12 को हम क्या कर देंगे? कैपिटलाइज। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट। मोहतरम, हमने एज अ स्टेप 1 कोई प्रोडक्ट बनाई है, कोई रायता, कोई दवाई, कोई वैक्सीन। अब हम चाह रहे हैं उसका ब्रांड नेम हम बिल्ड करें, खुद ब्रांड नेम बिल्ड करें। क्या समझ आ रही है आपको? ये इसको इंटरनली जनरेटेड ब्रांड टाइप भी कोई चीज कह सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी भी कह सकते हैं मेरे ख्याल से। तो शुरू में जब चीजें लॉन्च होती है ना, तो अक्सर लोग लफ्ज बोलते हैं यार एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करो, हमारा ब्रांड का नाम बने। तो ये ब्रांड इंटरनली जनरेट भी आप इसको समझ सकते हैं, और इसको इनिशियल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी समझ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो हमेशा ही कहां जाती है? एक्सपेंस में जाती है। तो ब्रांड को बिल्ड करने की कोशिश करें, अभी लोग इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन ये ब्रांड बना बनाया खरीद रहे हैं या खुद बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं? बिल्ट या परचेज्ड, तो इसको बोले कहां डालेंगे?
एक्सपेंस में डालेंगे. डन. अच्छा भाईजान, डेवलपमेंट शुरू कब हुई है? 1 जनवरी 20 को. DL has also incurred. ओ तेरी खैर. DL has, ये चीजें, ये खर्चे इस डब्बे में शामिल हैं या नहीं हैं? DL has also incurred directly attributable salaries and overheads of 5 and 1 point respectively in each month over the development of न्यू प्रोडक्ट. इसके अलावा 5 का खर्चा हर महीने होता रहा है डेवलपमेंट के दौरान, और 1.5 का खर्चा भी हर महीने होता रहा है किसके दौरान? डेवलपमेंट के दौरान. ओके. अच्छा यार, मुझे कोई बता सकता है कि डेवलपमेंट चली कब तक? भाई इस दिन तो हमने जाके अपने नाम करवा लिया वो इंटेंजिबल. जरा सोचे सोचे सोचे, डेवलपमेंट चली कब तक? यार ये जो टेस्ट रन है इसको डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं, ये डेवलपमेंट तो नहीं है. डेवलपमेंट तो टेस्ट रन तो डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. तो डेवलपमेंट बोलें चली कब तक? 31 जुलाई तक. अच्छा, अगर 31 जुलाई तक डेवलपमेंट चली तो मुझे आप ये बता दें कि अच्छी वाली डेवलपमेंट है या बुरी वाली डेवलपमेंट है? द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज ओनली मेट ऑन 1 अप्रैल एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज कमेंस्ड फ्रॉम 1 नवंबर. क्लियर? इसको मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं, आज काफी हो गया. इससे आगे चलने तो बता दें, नहीं चलना तो. अच्छा, कितने लोग वैसे खुद पढ़ लेंगे इसको? पढ़ लेंगे, कर लेंगे. चलें ठीक है, ये 3 लाइनें अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये वाली 3 लाइनें भी. अच्छा, कितने लोग ये 4 चीज़ें ढूंढ के आएंगे कि ये कहाँ हैं, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में हैं या नहीं? तो ये लाइनें ज़रूर ढूंढ आइएगा यार. मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे जो आप लोग इस, ये ऐसे लोग ना बहुत कम आते हैं, जाते जाते एक MCQ करा दें. पहले नहीं ऐसे होते थे बच्चे, पता नहीं आजकल नरगिस अपनी बेनूरी पर रो रो के. चलें जाएं यार, छोड़ें, बंद करो.